नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने पिछले व्याख्यान में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग का अध्ययन किया था। अभी इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अंकेक्षण के महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट और लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो जो अंकेक्षण का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है उसको देखने से इसकी इम्पोर्टेंस का हमें मालूम हो जाता है कि अंकेक्षण की कितनी इम्पोर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में होती है, विशेष तौर से किसी व्यवसाय के क्षेत्र में। एक इसका इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कुछ उपक्रम होते हैं जिनके अंतर्गत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है, और इसका रीज़न ये होता है कि वो जो उपक्रम होते हैं उनकी स्थापना किसी विशेष अधिनियम के द्वारा होती है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत बैंक्स का, बीमा अधिनियम में बीमा का, इसी तरीके से कंपनी अधिनियम में कंपनी का, सहकारी समिति अधिनियम में सहकारी समितियों का गठन होता है। तो ये ऐसे कुछ विशिष्ट उपक्रम होते हैं जिनका कि जिनके लिए अलग ही एक्ट या अधिनियम होता है उसके अंतर्गत, इसलिए उस अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो फिर अंकेक्षण भी और ऐसी कोई भी जो संस्थाएं होती है जिनका किसी विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत गठन होता है तो उनका अंकेक्षण तो अनिवार्य होता है। जैसे सहकारी समितियों का, बैंक का, बीमा का, कंपनी संगठन का, इनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, वो कंपलसरी कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं होता, जैसे कि फर्म हुआ, एकाकी संगठन हुआ, लेकिन फिर भी अंकेक्षण के फायदों को देखते हुए और वो लोग जो हैं वो अपने खातों का, जिनकी ज़रूरी नहीं होता है, वो भी अंकेक्षण करवाते हैं। क्योंकि अंकेक्षित खातों के जो फायदे होते हैं उनको देखते हुए वो अंकेक्षण करवाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब जो खाते होते हैं जिनका अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता संस्थाओं के, फिर भी वो बनवाते हैं, क्योंकि इससे होता ये है कि जो अंकेक्षित खाते होते हैं वो खाते कहीं पर भी बैंक्स वगैरह में या सरकार में उनको मान्यता होती है, और जब कभी कर अधिकारियों को संतुष्ट करना हो और जैसे मान लीजिए बैंक से कोई लोन लेना हो तो अंकेक्षित खाते होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, इसलिए उनके फ़ायदे को देखते हुए वो जो है वो लोग क्या करते हैं कि अंकेक्षित अपने खातों का किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से अंकेक्षण करवाते हैं। इसके अलावा देखिए अपन और भी बात जानते हैं कि भाई ठीक है, चाहे वो बिजनेस में उस चीज़ को कंपलसरी नहीं हो, फिर भी अगर वो कोई अपने लेखों की, जैसे कई बार एक थोड़ा बड़ा व्यवसाय है तो व्यवसाय के कई बिजनेस चलते रहते हैं तो वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता और हो सकता है उसका उतना समय भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति उसके व्यापार के अंदर ही कोई गड़बड़ी कर रहा हो या कोई ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो उसके जब लेखों की जाँच हो जाती है तो वो संतुष्ट हो सकता है कि नहीं, कोई गड़बड़ी हाथों में कोई नहीं कर रहा है, कोई गबन का काम नहीं कर रहा है, तो ये उसको जानकारी हो जाती है। तो इसलिए उस दृष्टि से भी अपन कह सकते हैं कि वो सही है। तो यहाँ पर वैधानिक अनिवार्यता नहीं होते हुए भी कुछ उपक्रम हैं वो अपने व्यवसायों का आजकल जो है, क्योंकि इससे उसकी बाज़ार में क्रेडिट है, वो साख है, वो बढ़ती है, उसके क्रेडिटर्स में, उसके कस्टमर्स में, उसके जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, एंड इवन द सोसाइटी है, इनमें सब में उसकी साख है। वो अगर वो खातों को अपना वेल मेंटेन्ड और ट्रांसपेरेंट रखता है तो इससे उसकी क्रेडिट साख बाज़ार में बढ़ती है। तो अब इसके कुछ फ़ायदे अपन मोटे तौर पर ये देख सकते हैं कि अशुद्धियों और कपट को शीघ्रता से उनका पता लगाना जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, मतलब इसका एक फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे जो अब जांच करेगा कोई अंकेक्षक व्यक्ति होता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की, प्रलेखों की, वाउचर्स की, जिनके आधार पर कोई लेन देन का आगे लेखा अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, तो उनकी जानकारी उसको बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो
तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर भी अशुद्धि भी है, कोई गलती भी है, तो वो पकड़ में आ जाती है और गबन भी पकड़ में आ जाता है जो है। और अगर मान लीजिए ये कोई गलती या गबन को अगर टाइम रहते नहीं पकड़ा गया तो ये बहुत बड़ी बीमारी के रूप ले सकती है आगे जा करके, और इससे बिजनेस है वो ठप भी हो सकता है। इसलिए समय पर कोई चीज़ है, शुद्धि है, उसको या कपट को पता लगाना है, वो इसका ये संभव हो पाता है। नंबर दूसरी बात, अशुद्धि और कपट पर के ऊपर रोक लगाना, मतलब केवल पता लगाना, तो ये होता है कि गलती हो गई फिर पकड़ में आती है, और रोक लगाने के अंतर्गत क्या है कि गलती हुई नहीं, गबन हुई नहीं, कपट हुई नहीं, तो इसका एक बड़ा रीज़न होता है कि जब एक व्यक्ति जो संस्था में काम करते हैं उनको ये पता होता है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जाँच की जाएगी, उनके जो कुछ भी वो लिखेंगे करेंगे उसकी जाँच की जाएगी, तो वो और यदि गलतियाँ हुई तो उसके पनिशमेंट मिल सकता है। इसलिए वो बहुत ही सतर्क होकर के, यानी लापरवाही से काम नहीं करेगा। अगर वो ये नहीं कि जांच ही नहीं होगी तो फिर तो वो गलतियाँ करता जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक तो वो लापरवाह नहीं रहेगा, सतर्क रहेगा, और दूसरी बात ये है कि वो किसी भी प्रकार की कपट, गबन, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड करने से डरेगा, वो करेगा नहीं। है इस तरीके का कार्य तो होगी नहीं, हो गलती भी नहीं होगी और कपट भी नहीं होगा। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ, यानी गलती और गबन को रोकना, गलती और गबन का पता लगाना और गलती और गबन को रोकना, ठीक है। और पता भी कैसे लगाना, गलती और गबन का शीघ्र पता लगाना, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। तो हर साल के जब खातों का अंगीकरण होता है तो हर साल पकड़ में आ जाती है, नहीं होगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए, लेखों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। लेखों की विश्वसनीयता में वृद्धि होने का अभिप्राय सीधा सीधा सा बात है कि जब किसी संस्था के खाते ऑडिटेड होते हैं तो हर कोई उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। एक बिजनेस के बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कितने स्टेक होल्डर्स एक बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, और इवन ओनर्स, मालिक, मैनेजमेंट, ये सब लोग एक बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। उनके सब के अपने अपने इंटरेस्ट उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो अगर लेखों को ट्रांसपेरेंटली प्रकट किया गया है और उसकी ऑडिट की गई है, तो ऐसी स्थिति में ऑडिटेड हैं, और अगर किसी ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है कि टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव मतलब अकाउंट्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, और तो वो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके ऐसे सर्टिफिकेट के बेसिस पर है, हर कोई उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। तो ये एक विशेषणता में उसकी वृद्धि होती है। और विश्वसनीयता का दूसरा इसमें ये भी होता है कि जब जैसे मान लीजिए वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, ऑडिटेड अकाउंट्स को ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे। खाते जब अंकित होंगे कि उसका सर्टिफिकेट हो सी है कि, तो उसके बेसिस पर उसको लोन देने में उनको दिक्कत नहीं। इसके अलावा कर्मचारियों की जो है वो उसकी व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। तो जैसे अभी बताया था कि भाई इतने स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए होते हैं, तो उनको वो सब जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसाय की ख्याति जो है, क्रेडिट है, वो बाज़ार में बढ़ जाती है। और ख्याति बढ़ने का सीधा सीधा संबंध ये होता है कि उसको उसकी साख बढ़ने में, यानी ख्याति बढ़ने का मतलब उस बिज़नेस की साख बाज़ार में है, और जहाँ साख होती है ऐसे बिज़नेस को खूब लोन मिल जाता है, खूब उधार मिल जाती है, कि हर कोई उसको देखता है कि ये व्यापार डूबने वाला नहीं। तो ये साख उसकी, क्योंकि उसके खाते से वो डिटेल देते हैं तो हर कोई उसको देख करके उसको उसके साथ डीलिंग कर सकता है, उससे डरेगा नहीं, वो उसको डर नहीं लगेगा कि उसकी उसके द्वारा जो भी जो उधार दी गई है या जो भी पूंजी है वो डूबेगी नहीं। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, कार्यकुशलता में वृद्धि से विपरीत सीधा सीधा ये होता है कि क्यों जब संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के अंदर, जैसे भी कहा कि भाई वो काम का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से उनका होता है कि जो लेखा प्रविष्टियाँ करने का, तो जो काम उसको दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी का काम एलिमेंट्री बुक्स में एंट्री करने का है, तो किसी का काम उसके लेज़र करने का है, किसी का काम ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाते बनाने का है,
तो जिस कार्य के लिए उसको दिया गया है उसके अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो विशिष्टीकरण हासिल कर लेता है, उसमें एक्सपर्ट बन जाता है, उसकी स्किल डेवलप हो जाती है उसके अंदर उस काम को करने में। तो हम कह सकते हैं कि कर्मचारी का एक लंबा अनुभव होता है काम करने का, तो उससे उस काम के अंदर उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, उसके साथ साथ उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और निश्चित रूप से उनको ये पता रहेगा या डर रहेगा कि उनके द्वारा अंकेक्षण हो जाएगा, तो वो बहुत सावधानी से और ढंग से काम को करेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। विनियोजकों के हितों की सुरक्षा, विनियोजकों के हितों की सुरक्षा का मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी का संगठन होता है, उस कंपनी के अंतर्गत शेयर होल्डर्स होते हैं, देश विदेश में फैले हुए होते हैं, वो तो सीधे वहाँ पर इंटरफेरेंस रखते नहीं हैं बिजनेस के अंदर। अब उस उनको क्या पता कि वहाँ पर खाते जो रखे गए हैं वहाँ पर कोई गलती गड़बड़ कोई कपट या बदमाशी तो नहीं हो रही है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स जिनके पैसा जो लगा हुआ होता है वो खुद वहाँ पर डायरेक्ट उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो खातों को सही हिसाब किताब की जानकारी की जो है बात वो केवल ऑडिटर्स के माध्यम से मिलती है। तो अगर वो खाते सब ऑडिटेड, इसीलिए अपन जब देखते हैं कि जब कोई भी आज मान लो बिजनेस के अंदर उसके शेयर खरीदना चाहता है कोई व्यक्ति कंपनी के, तो सब ऑडिटेड रिजल्ट्स को देखते हैं और ऑडिटेड रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा ही उनके ऊपर हम विश्वास करके और निर्णय ले सकते हैं कि उस पर्टिकुलर संस्था के अंदर निर्णय निवेश करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उनके हितों की सुरक्षा करता है। उन्होंने जो पैसा लगाया, जो कैपिटल लगाई, उसका कहीं गलत कार्य में तो यूज़ नहीं हो रहा, उस कैपिटल को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे वहाँ के कर्मचारी जो हैं वो, तो इस बात के लिए वो जो है वो इसका सर्टिफिकेट जब ऑडिटर से मिल जाता है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विनियोजकों को एक तसल्ली मिलती है। इसके बाद प्रबंधकों को सलाह दी जाती है, प्रबंधकों को भी सलाह जो है वो अभी जैसे अपने पहले वाले में भी लेसन में भी देखा था कि जितने भी जो मैनेजमेंट जो होता है टॉप मैनेजमेंट, उनको जो भी खामियां होती हैं उस सिस्टम के अंदर जो भी होती हैं उनके बारे में वो विशेष तौर से हाईलाइट करते हैं और उस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो अपनी उचित सलाह देते हैं, जिससे बिजनेस में बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा जैसे न्यायालय में प्रमाण, तो न्यायालय में अगर कोई किसी भी मामले के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है किसी अकाउंट्स के बारे में या कोई भी मामला इस तरीके का होता है, तो जो ऑडिटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो न्यायालय में मान्य होते हैं। किसी अंकेक्षक का जब सर्टिफिकेट, और जैसे अपन कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति का मर्डर हो गया या किसी ने कोई भी आत्महत्या कर लिया और कोई कारण से, तो पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मान्य होता है न्यायालय में, तो वैसे ही इन खातों का डॉक्टर कौन होता है, ऑडिटर होता है, वो इसकी जाँच करता है और वो सर्टिफिकेट देता है। तो ये उसका पोस्टमार्टम करने वाला होता है, ऑडिटर होता है वो उसका पोस्टमार्टम करता है अकाउंट्स का, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका सर्टिफिकेट भी न्यायालय में मान्य होता है। और इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि ये अंकेक्षित लेखे होते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के प्रमाण होते हैं, तो ये एक साधारण सी बात है जो ऊपर की बातों से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि वो जब सर्टिफिकेट देता है अंकेक्षक तो वो यही कहता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ तो अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, वो ये सर्टिफिकेट देता है, तो ट्रू एंड फेयर का सर्टिफिकेट वो देता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण हो गया। तो ये कुछ इसकी जो थे वो इसके एडवांटेजेस हम कह सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं अंकेक्षण की, तो ये एक बात हुई। इसके अलावा इसकी कुछ सीमाओं के बारे में अपन जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट होती है कि हमने इसके उद्देश्य भी देखे बहुत बढ़िया थे, अच्छे से काम करना इसका उद्देश्य, वही बातें और उससे रिलेटेड ही बातें उसकी इम्पोर्टेंस की भी आई। कि तो हम इन सब बातों के जानने के बाद हम कह सकते हैं कि केवल वैधानिक रूप से ही नहीं बल्कि स्वैच्छिक रूप से भी उसको अंकेक्षण को कराना जो है वो अच्छा रहता है, उससे फ़ायदा होता है बिजनेस का, उसको लाभ प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ें हैं, अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आँख मूंद करके अगर हम अंकेक्षित खातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। आँख मूंद कर कभी भी अंकेक्षित खातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके बहुत बड़े रीजंस होते हैं, ये समझने की बात होती है। क्योंकि एक बात आपको ध्यान होगा कि दिन दिन में बहुत सी कंपनियां मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक एग्जांपल आता है जैसे सत्यम कंप्यूटर्स था। सत्यम कंप्यूटर्स एक कंपनी थी, बहुत रिनाउंड कंपनी थी, साउथ इंडियन उसके प्रोमोटर्स थे, और वो जो कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स थी उसके शेयर्स के भाव भी बहुत बढ़िया चलते थे, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्रेडिट थी, सब कुछ ठीक था। तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि कंपनी में कभी कोई गबन गड़बड़ घोटाला हो सकता है, लेकिन हुआ ये। और हर साल
वो ऑडिटर है वो अपना सर्टिफिकेट देता रहा, सर्टिफिकेट देता रहा उसके ट्रू एंड फेयर का। और हुआ क्या कि 10 साल निकल गए इस तरीके से, 10 साल के अंदर जो मामले थे वो गड़बड़ सामने ऐसे आए कि कंपनी की हालत ख़राब हो गई और सारे जो वास्तव में जितना दिखा रहा था उतनी उसकी असेट थी नहीं और कंपनी डूबने के कगार पर आ गई। तो वो जो ऑडिटर्स हैं और जो वहाँ के जो प्रोमोटर्स जो हैं कंपनी को चलाने वाले, उनके बीच में अगर कोई साठ गांठ होकर के और वो गलत तरीके से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और जिसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, खातों के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन करना जिसको अपन कहते हैं, वो मैनिपुलेट कर लेते हैं खातों में, हेरफेर कर देते हैं और उससे एक साधारण व्यक्ति की वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती लेकिन अंकेक्ष को तो मालूम होता है। तो हम ये अगर ये विश्वास कर लिया कि उसके सर्टिफिकेट दिया है और इससे अपन उसको मान लिया तो इससे ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है, ये वास्तव में इससे आदमी है वो बहुत बड़े घाटे में जा सकता है। तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है वो सब सर्वे सर्व हो गई। कहने का अभिप्राय ये है कि आँख मुँह पर किसी चीज़ के ऊपर उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो केवल दूसरी बात एक और भी है कि मान लीजिए ऑडिटर की भी कोई चीज़ नोटिस में नहीं आई हो, क्योंकि वो तो केवल कहता है कि उसको जो फैक्ट और जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे केवल उसी के बेसिस पर वो अपनी जो सब चीज़ें लिखता है। अब मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट सूचना है उसको अपलोड करवाई गई, क्योंकि उसका ये कार्य तो है नहीं कि हर चीज़ को सूंघना और उसके अंदर गहनता से उसकी ये जांच करना कि जैसे शिकारी करने वाला कुत्ता शिकार करता है उस तरीके से वैसे शिकार नहीं करता, ये उसका काम भी नहीं है, ये उसकी ड्यूटी भी नहीं है। उसको जो सूचनाएँ दी जाएंगी, जो ट्रांजेक्शन के बारे में जो वाउचर्स दिए जाएंगे, जो उसके बेसिस पर जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उसके बेसिस पर वो अपना कार्य करता है। इसलिए और इसी बेसिस पर वो ये भी कहता है कि मेरी जानकारी और विश्वास और मुझे उपलब्ध कराई सूचनाओं और प्रलेखों के आधार पर मैं ये अपनी राय प्रकट करता हूँ। तो इसलिए वो केवल अपनी राय देता है, उसको अपने को 100% सही नहीं मानना चाहिए। ये एक इसकी मोटी बात हुई। अब हम अपनी इसको अगर ये कहें कि इसको पॉइंट्स के रूप में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण सत्यता की 100% गारंटी नहीं देता, वो केवल अपनी राय प्रकट करता है, वो 100% गारंटी नहीं देता। इसलिए उसकी स्टेटमेंट के ऊपर अपने को पूर्ण रूप से उस पर आश्रित नहीं होना चाहिए। और एक और भी बात है कि जब वो जांच करता है तो वो ये तो पॉसिबल नहीं होता कि हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं एक एक ट्रांजेक्शन की जांच करें, वो केवल कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको टेस्ट चेकिंग कहते हैं, वो केवल परीक्षण जांच करता है कुछ सेलेक्टेड की और उसके अंदर ही कोई चीज़ पकड़ में आ जाती है तो वो उनको पॉइंट आउट करता है। तो वो इसलिए 100% तो उसने टेस्ट किया नहीं तो हम 100% गारंटी भी नहीं हो सकते। सभी प्रकार के कपटों को प्रकट नहीं होना, कुछ कपट ऐसे होते हैं जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के प्लान्ड वे में किए जाते हैं, और जब प्लान्ड वे में कोई काम की जाती है मिली भगत से तो वो कैसे पकड़ में आएगी। अगर स्वतंत्र रूप से व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वतंत्र होकर के कोई कार्य कर रहा है तब तो वो पकड़ में दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी आ सकती है किसी इंटरनल चेक सिस्टम से, लेकिन अगर वो उन्होंने मिलकर के कोई होबनोबिंग करके मिली भगत करके अगर कोई किसी तरीके का गबन कर लिया, कपट कर लिया, तो वो अंकेक्षण के पकड़ में नहीं आएगा। अंकेक्षण में व्यवहारों के व्यावसायिक औचित्य की जांच नहीं होती है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन है वो व्यावसायिक रूप से उचित है या नहीं है इसकी जो है वो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक होने का मतलब राय ये है कि जो ट्रांजेक्शन जो हुआ उसका जो लेखा किया गया वो नियम के अनुसार सिद्धांत के अनुसार किया गया है नहीं किया गया है, इसके वो पूर्ण रूप से उसकी औचित्य की जांच वो नहीं करता है। वो जो है वो मतलब उचित रूप से लेखाबद्ध हुआ कि नहीं हुआ तो केवल इस बात की ही वो जांच करता है, लेकिन वो जो व्यवहार है वो व्यवसाय के लिए उचित था कि नहीं था इस बात की तो जांच नहीं करता। कहने का मतलब वो लेखांकन प्रक्रिया की तो जांच करेगा कि उचित तरीके से उसका लेखांकन हुआ या नहीं हुआ, उस सिद्धांत का पालन हुआ कि नहीं हुआ और तरीके से उसको क्या वो सब चीज़ तो कर लेगा, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हुआ उस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन व्यवसाय के लिए उचित था कि नहीं था ये कार्य उसका नहीं है। कोई वो तो कहेगा तो अगर कोई फर्जी ट्रांजेक्शन का भी सबूत ला के दे देगा तो उसकी भी वो एंट्री को वो तो सत्य प्रमाणित कर देगा, लेकिन
वो काम ही जो किया गया वो फर्जी तरीके से किया गया इस बात की जांच वो नहीं करता है। और अंकित से द्वारा केवल राय प्रकट की जाती है, वो कोई गारंटी का प्रमाण पत्र नहीं देता है, वो केवल अपना ओपिनियन व्यक्त करता है। इसलिए जब राय प्रकट करता है कि उस लाभानी खाते उसकी राय में सही बनाए गए हैं और चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, इस बारे में वो केवल राय प्रकट करता है, इसलिए राय को की गई प्रकट के आधार पर अपन उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। और अंकेक्षण की जो आंतरिक सूचनाओं पर निर्भरता होती है, तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ये एक सीमा है, लिमिटेशन होती है कि जो अंकेक्षक है वो केवल जो अंदर जो सूचनाएं उसको मिलती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उन बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन वो नहीं जा सकता, उन सूचनाओं से बाहर की कोई चीज़ के बारे में वो विश्लेषण नहीं कर सकता। उसका एक दायरा है, उस दायरे के भीतर ही रहेगा, उसको क्रॉस करके नहीं जाएगा। अब उस दायरे से बाहर कोई चीज़ लिंक्ड है उस गबन से या गलती से, तो उसकी जाँच का विषय नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं वो केवल आंतरिक सूचनाओं के आधार पर ही अपने निर्णय को लेता है, इसलिए अपन पूर्ण रूप से वो सही नहीं हो पाता, ये एक सीमा है। और कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का मतलब कहने का है कि ईमानदारी का प्रमाण नहीं होता, कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण होता है। पूर्ण ईमानदारी तो 100% का कोई भी ऑनेस्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और जहाँ पर समूह में काम करते हैं वहाँ पर तो ये बहुत असंभव बात हो सकती है। और हो सकता है कि दो या तीन अधिक कर्मचारी मिलकर के कोई गड़बड़ करें, तो हम ये कह नहीं सकते कि 100% काम सही हो रहा है, और ये व्यवहारिक रूप से ये पॉसिबल भी नहीं है कि 100% व्यक्ति ईमानदार हो। इसलिए आप 100% किसी चीज़ पर बिलीव करना अच्छी बात नहीं होती। अंकेक्षक को अपने कार्य में व्यवहारिक स्वतंत्रता नहीं होती। ये एक साधारण सी बात है कि एक अंकेक्षक जो कि अपनी फीस लेता है जिस व्यक्ति से, वो उस व्यक्ति के पक्ष में झुका रहेगा, उस व्यक्ति के पक्ष में झुका रहेगा वो। तो अब जब वो उस बिना प्रबंध या संचालकों के साथ उनके सहयोग के वो अपनी जांच का कार्य नहीं कर सकता, तो जब जिनकी जांच कर रहा है उन्हीं का वो सहयोग ले रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र नहीं है तो उसके द्वारा जो भी जो दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रमाण, उसको हम पूर्ण रूप से विश्वसनीय या सत्य के नज़दीक नहीं मान सकते कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात छुपी हुई है, ज़रूर कोई ना कोई इसमें ये जो है वो हो सकता है ऑडिटर भी इसमें मिला हुआ हो। तो वो पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र नहीं होता, वो जिनकी जांच कर रहा उन्हीं पर वो डिपेंड होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ इस तरीके की सीमाओं के बावजूद, इन लिमिटेशन के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता कि अंकेक्षण बेकार हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसी सीमाओं के बावजूद भी आज भी अंकेक्षण का बहुत बड़ा महत्व है, और जहाँ पर हज़ारों करोड़ों लेन देन होते हैं, साल भर में लाखों लेन देन होते हैं, और एक बड़े व्यावसायिक संगठन होते हैं, तो उनके अंदर अगर हिसाब किताब, पहली बात तो सही तरीके से लिखना, फिर लिखे हुए हिसाब किताब की जाँच करना, ये दोनों ही कार्य बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी कंपनी का जब डाटा एनालिसिस होता है, उनके जो आंकड़ों का विश्लेषण होता है किसी व्यावसायिक संगठन की वित्तीय सूचनाओं का, तो ऑडिटेड जो अकाउंट्स होते हैं वही असली जो है वो उनका जो विश्लेषण किया जा सकता है, वो मान्य होता है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर कोई भी मैनेजमेंट जब अपनी मीटिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा जब पास कर दिए जाते हैं वो खाते, कहाँ पर मीटिंग में रखे जाते हैं खाते जो कि अंकेक्षण खाते होते हैं, और उसको शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, तो वो जो खातों को देख करके अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स, तो वही तो उनका एक आधार होता है जिसके बेसिस पर वो विश्वास करके उसको पार्स कर सकते हैं। बाकी सीधे डायरेक्ट तो वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, देश विदेश में फैले होते हैं एक बड़े कंपनी संगठन में। तो हम कह सकते हैं कि जो अंकेक्षित जो खाते होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस न केवल वैधानिक रूप से बल्कि व्यवसाय के सामान्य स्वास्थ्यप्रद संचालन के लिए भी इनकी महती आवश्यकता होती है। तो ये सब बातें अपने को ऑडिटिंग के बारे में पढ़नी है। हम इस जो चैप्टर के अंदर जो आपका टॉपिक दिए हुए थे उन टॉपिक्स को अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और इसमें दो की बातें थी, एक तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स था, और इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस थी, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट लेसन में हम अगले टॉपिक को ऑडिटिंग से संबंधित अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।